नड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोकसभा चुनाव जितवा दो, हरियाणा में अगली सरकार आपकी होगी। ये बयान दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आया, ताकि पिछली बार अगर रोहतक सीट जीत जाते तो प्रदेश में हमारी सरकार बनती। भाजपा ने छल कपट से रोहतक की सीट जीती थी, इस बार आपको सिर्फ वोट ही नहीं देना बल्कि चुनाव भी संभालना है। कार्यकर्ताओं के बीच महम पहुंचे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वहां पर वोट की अपील की, साथ ही ये भी कहा कि इस बार आपको सिर्फ वोट नहीं देना बल्कि चुनाव भी संभालना है। भाजपा डरी हुई है, इसलिए दो तीन उम्मीदवार भी बदल सकते। वो इसीलिए है कि सबको पता है, बीजेपी को पता है कि रोहतक लोकसभा का सीट का चुनाव अकेले एक सांसद का चुनाव नहीं है। जिस दिन यहाँ से आपके आशीर्वाद से हम जीतेंगे, उस दिन हरियाणा की अगली सरकार का नींव रखने का काम आप लोग करेंगे। इस बार का चुनाव पिछली बार भी हो गया था काम, अगर यहाँ से जो कसर रही थी यहाँ से अगर पिछली बार अगर ठीक होती तो नीचे हरियाणा में आपकी सरकार आ जाती कि नहीं आ जाती मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार ही लोग बदलाव चाहते थे। उधर जेजेपी में भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं, नेताओं का जेजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में करनाल में जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुई है कमलेश सैनी, जेजेपी छोड़कर उन्होंने बीजेपी का कमल थामा है। नारनौल से जिला परिषद की चेयरपर्सन है कमलेश सैनी, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। जेजेपी के कई और नेता बीजेपी में शामिल हुए। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज यूपी में जनसभा करेंगे। सहारनपुर और बिजनौर में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जनसभा है। इससे पहले सीएम राजस्थान और उत्तराखंड में भी जनसभा कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी वो जनसभा कर चुके हैं। एक बार फिर से यूपी के दौरे पर है, जहां दो बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले के तार अब हरियाणा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। फायरिंग करने वालों में गुरुग्राम के शूटर का नाम आया है। गुरुग्राम के विशाल उर्फ कालू का नाम इस मामले में सामने आया है। रोहित गोदारा के लिए विशाल उर्फ कालू काम करता है, गुरुग्राम के महावीरपुरा का ये रहने वाला है। रोहतक के सचिन हत्याकांड में भी विशाल का नाम आया था। रोहतक हत्याकांड के बाद से ही कालू फरार चल रहा है। अब सलमान खान के घर के बाहर कल सुबह जो फायरिंग हुई थी, उसमें भी विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आया है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में अब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, तस्वीरें सामने आई है दोनों ही हमलावरों की। काली और सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है एक हमलावर, दूसरा लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए है। तस्वीरों के आधार पर दोनों हमलावरों की सरगर्मी से तलाश जारी है। दोनों शूटर्स को लेकर एजेंसियों के हाथ अहम सुराग लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग कल हुई थी, दो हमलावरों ने फायरिंग की थी, उनकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, जिसमें दोनों हमलावरों का हुलिया पहचाना जा रहा है, जिसमें काली और सफेद टी शर्ट में एक हमलावर तो दूसरा लाल रंग की टी शर्ट में नजर आ रहा है। गुरुग्राम में विशाल उर्फ कालू के घर पुलिस ने पहरा बैठा दिया है। फिलहाल घर पर कोई मौजूद नहीं है। सुबह घर पर विशाल की मां और बहन जरूर थे, वो दोनों भी यहां से किसी रिश्तेदारी में चले गए हैं। देर रात यहां दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी, विशाल की मां और बहन से पूछताछ की थी, क्योंकि घर के बाहर जो फायरिंग हुई उसमें विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आया है। गुरुग्राम के महावीरपुरा में विशाल रहता था परिवार के साथ। विशाल के दोनों भाई भी अपने किसी परिचित के यहां चले गए हैं। पड़ोसी भी इस पूरे मामले पर बोलने से चिढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के बाद कैथल में आरटीआई ने कार्रवाई की है। कार्रवाई से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जोगेंद्र ढुल और ट्रांसपोर्ट एसआई मेघराज में तीखी बहस भी हुई है। एमवीआई पर लेन देन कर पासिंग देने का आरोप भी लगाया गया है। ट्रांसपोर्ट एसआई मेघराज शर्मा ने इस बारे में सबूत मांगा है। स्कूल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है जोगेंद्र ढुल।
स्कूल एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि एमवीआई लेन देन करके पासिंग करता है ट्रांसपोर्ट एसआई मेघराज शर्मा। लेकिन इसी पर मेघराज शर्मा ने सबूत मांगे हैं, बताए हैं कि किस तरीके से मंथली ली जा रही है, आप बकायदा इस मामले पर मुझे सबूत दें, बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में विभाग हर तरीके से मुस्तैदी दिखा रहा है, इस मामले की जांच की जा रही है। कुछ भी आप कहो, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम करेंगे सर, और हमें करना पड़ेगा, हमारी रोजी है सर, आप तो कह रहे हो ये हमारी तो रोजी है। आपके केतल में इतने स्कूल है जो बिल्कुल बच्चों को बसों को ठीक रह रहे हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों के प्रति संवेदन है, अपने भी होना चाहिए। और आप तो प्रेसिडेंट, जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, बड़ा हादसा हुआ था, 6 मौतें हुई थी, इसके बाद भी लग रहा है कि सबक नहीं लिया गया। शराब पीकर बस चला रहा था बस ड्राइवर, फतेहाबाद से खबर जहां पर मुख्तियार सिंह जो ड्राइवर था वो शराब के, माफ कीजिएगा, फतेहाबाद के मुख्तियार सिंह कॉलेज की बस थी जहां बस को ट्रैफिक पुलिस ने इम्पाउंड कर लिया है। बस का ड्राइवर शराब के नशे में था। स्कूल बसों की चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई अमल में लाई गई। अन्य 5 स्कूलों की बसों को भी इम्पाउंड किया गया। कई बसों में कई खामियां पाई गई हैं। इस पर कार्रवाई लगातार जारी रखने को भी कहा गया है। इस पूरे मामले के बाद जिस तरीके से विभाग अलर्ट मोड पर है, लगातार चेकिंग की जा रही है। कल भी हमने आपको बताया था कि 550 बसें रेवाड़ी में ऐसी थी जिनमें कोई ना कोई कमी पाई गई थी, इसके खिलाफ भी विभाग ने कड़ा एक्शन लिया था। आज फतेहाबाद में एक स्कूल कॉलेज बस का ड्राइवर नशे में धुत पाया गया। और जो स्कूल के अंदर अवैध रूप से वाहन चल रहे हैं उनको इंपाउंड कर रहे हैं, ये आरटीओ स्टाफ और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का संयुक्त अभियान है। तो कितनी बसें इंपाउंड वगैरह की गई हैं जी? इसमें 5 वाहन इंपाउंड किए गए हैं और 2 का चलान हुआ है। तो कोई शराब के नशे भी मिला है चालक? हाँ, एक चलान जो कॉलेज की थी, मुख्तार सिंह कॉलेज, उसका ड्राइवर शराब पिया हुआ था, उसको इंपाउंड कर। खबर यमुनानगर से जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 1 महीने के नवजात की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मासूम की मां ही थी। पहले बच्चे का गला ब्लेड से काटा गया, फिर मां ने उसे जमीन पर पटक पटक कर मार दिया। पति की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हत्यारी मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर 1 दिन के रिमांड पर ले लिया है। मां ने अपने बच्चे को क्यों मारा, अभी इसका खुलासा होना बाकी है। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ में जुटी हुई है। तो उसमें उसकी मां के आरोप थे, दौराने तफ्तीश जो है कल उसकी माता कोमल को, जो बच्चे की माता थी, उसको गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पुलिस के पास है। घटना को अंजाम उसकी माता ने ही दिया है। रात के समय करीब तड़के 3 बजे के करीब, जब वो बिल्कुल सभी परिवार के मेंबर गहरी नींद में सो रहे थे, उस टाइम इसने घटना को अंजाम। आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से उनकी पेशी होगी। ईडी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। आज अरविंद केजरीवाल की नियमित हिरासत खत्म हो रही है। एक्साइज पॉलिसी केस में 21 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था ईडी ने, इसके बाद से लगातार वो मुश्किल में है। अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होगी। केजरीवाल की पटिशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने याचिका लगाई है। तो आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है। एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 21 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की तब से मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। आज एक बार फिर से ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश करेगी, क्योंकि आज ही अरविंद केजरीवाल की नियमित हिरासत खत्म हो रही है। एक्साइज पॉलिसी मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी, बड़ा झटका चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी को ईडी की तरफ से दिया गया था, और एक बार फिर से आज उनको कोर्ट में ईडी पेश करेगी। दूसरी तरफ एक और याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है।